सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शिवसेना के बागी सदस्यों से अलग होने की वजह पूछी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि 3 साल बाद बगावत करने वाले विधायकों ने एमबीए गठबंधन पर आपत्ति क्यों जताई? अगर ऐसा था तो पहले ही इस तरह की सरकार बनाने पर राजी क्यों हो गए? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शिंदे गुट से कहा कि पहले तो आप लोग साथ में मिलकर के सरकार बना लेते हैं, फिर कार्यकाल का फल लेकर अलग हो जाते हैं। आखिरकार किसी न किसी को तो इसका जवाब देना ही होगा। सीजेआई ने कहा अगर चुनाव होने के 1 महीने बाद ये चीजें देखने को मिलती हैं तो ये बात समझ में आती, लेकिन 3 साल तक आप लोग सरकार के साथ रहते हैं और अचानक एक ही दिन में ऐसा क्या हो जाता है कि 34 लोगों का गुट ये कहने लगता है कि पार्टी में और सरकार में असंतोष है। 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिराने को लेकर शायराना अंदाज में बहस देखने को मिली। कोर्ट में पूछा गया कि बहुमत के सदस्यों ने बाकी बचे कार्यकाल के लिए दूसरों के साथ रोटी क्यों तोड़ ली। चीफ जस्टिस ने शिंदे गुट से पूछा कि आप सभी एक खुशहाल शादीशुदा रिश्ते में थे, फिर अचानक क्या हुआ? 3 साल आप साथ रहते हैं और फिर राजनीति का मजा लेने के बाद आप अचानक कहते हैं कि हमारा काम हो गया। किसी न किसी को तो इसका जवाब देना होगा। मामले में सुनवाई करे बेंच ने राज्यपाल की भूमिका को लेकर के भी सवाल खड़े किए हैं। बेंच ने कहा कि पार्टी के अंदर अगर आपसी मतभेद चल रहा है तो राज्यपाल इसमें हस्तक्षेप कैसे कर सकता है। सीजेआई ने राज्यपाल पर भी सवाल उठा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, आप 3 साल से क्या कर रहे थे? राज्यपाल को कैसे अंदाजा हो गया कि आगे क्या होने वाला है? फ्लोर टेस्ट बुलाने के मामले को लेकर के भी बेंच ने सवाल खड़े किए हैं, जिसमें कहा गया कि इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि अगर मतभेद के चलते पार्टी का नया नेता चुनना है तो इसमें फ्लोर टेस्ट बुलाने का क्या मतलब है। पिछले साल जब महाराष्ट्र में एमबीए की सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उसी दौरान शिवसेना में फूट पड़ी। एकनाथ शिंदे ने कई अन्य विधायकों के साथ बगावत कर दी। कई दिनों के घटनाक्रम के बाद तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। कोश्यारी का कहना था कि उनसे देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मौजूदा सरकार बहुमत खो चुकी है, इसलिए फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स और 7 निर्दलीय विधायकों के पत्र का भी जिक्र किया। उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना फ्लोर टेस्ट के आदेश पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हुआ, फ्लोर टेस्ट का परिणाम शिंदे गुट भाजपा के पक्ष में गया। बाद में उद्धव ठाकरे से शिवसेना का नाम और पार्टी का सिंबल तीर कमान भी छीन लिया गया। इसी साल फरवरी में चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान एकनाथ शिंदे गुट को सौंप दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट बनाम शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट मामले की सुनवाई हुई। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये सारे सवाल किए गए। अब ऐसे में देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे की ओर से क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि इस मामले में अब उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल से उद्धव ठाकरे को काफी बल मिला है, क्योंकि अभी तक हर जगह से सिर्फ उद्धव ठाकरे को निराशा ही हाथ लगी। पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के पक्ष को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का सवाल पूछा है। देखना यह होगा कि जिस तरीके से इस मामले पर सुनवाई हो रही है उसके बाद आगे का क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने फैसला दिया था उसके बाद से उद्धव ठाकरे गुट की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं, माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को निष्पक्ष न्याय मिल जाएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बगावत की है उसको कानूनी मान्यता मिलती भी है या नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट उसको सही ठहराता या नहीं। और अगर शिंदे गुट को यहां से झटका मिला तो फिर एक बार फिर से महाराष्ट्र में सियासी बवंडर खड़ा होगा ही। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।